नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनआई न्यूज। जेएनआई न्यूज में आप सबका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रहे निकल के, जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बड़ी हार हुआ है और इसी हार को लेकर आज हम एक डिबेट पे है। और डिबेट पे हमारा मेहमान है बचरावा रायबरेली से अमित पांडे जी, जो समाज सेवक है और दिव्यांग संगठन का प्रदेश अध्यक्ष है। हमारे साथ सोनू वर्मा जी है। सोनू वर्मा जी उत्तर प्रदेश क्राइम ब्यूरो जेएनआई न्यूज चैनल के हैं और हमारा कुलदीप भाई है जो उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड जेएनआई न्यूज। विषय हमारा समाजवादी की पराजय पर चर्चा। हम पहली जाना चाहेंगे अमित भाई के पास और अमित भाई हमें ये बताएं कि आज का जो 2022 का जो विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पराजय का हाथ समाजवादी को देखने पड़ा, इसका पीछे सबसे बड़ी कारण क्या रहा? आदरणीय बड़े भाई देव जी को और सभी पत्रकार साथियों को जो डिबेट पे सभी बैठे, सभी को नमस्कार करता हूँ, स्वागत बंदर आवेदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने डिबेट में हमें आपने साथ समाहित किया है। इस बात हम प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम नहीं है क्योंकि भारतवर्ष की राजनीति और भारतवर्ष के जैसा कि समाज में सुनने को मिला है, समाज के लोगों द्वारा मालूम हुआ, जानकारी भी हुई, क्षेत्र में गया हूँ, जन जन से मिला हूँ, उन्होंने बताया कि जिस बेटे ने भारत की नहीं सुनी, भारत का सम्मान नहीं किया, तो वो व्यक्ति समाज का सम्मान क्या करेगा, समाज का उत्थान क्या करेगा। अहम बात कर रहा है और समाज में हवा बहुत तेज चली। देखिए आज हमें ज्यादा लंबा बात पे नहीं जाएंगे, हम शॉर्ट बात पे रहेंगे। आज हमारे पास सबसे बड़ी 3-4 सवाल हमारे सामने हैं। क्या समाजवादी पार्टी परिवारवाद है? क्या समाजवादी पार्टी दंगावाद है? क्या समाजवादी पार्टी आतंकवाद है? इस पर कुलदीप जी बताएं, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि समाजवादी का बड़ी पराजित हुई है। जी 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 जी, सभी समस्त पत्रकार भाइयों को मैं हमारी तरफ से नमस्कार और देव जो संपादक है उनको भी हमारी तरफ से नमस्कार। और मैं ये बताना चाहता हूँ, दंगावादी समाजवादी पार्टी तो दंगावादी है। उसका जो परिणाम कल देखने को मिला बाराबंकी जिले में, जो कि कहा जाता है कि भाजपा दंगाबाजी, लेकिन यहाँ तक देखा जाए भाजपा ने दंगा नहीं किया, लेकिन जब राकेश कुमार वर्मा जी कुर्सी से हारे, इसके बाद में समाजवादी ने धरना देकर वहां पे डीएम को हाथापाई करने को उतारू है। इसके बाद में तो इसके बाद पुलिस बल ने उनको लाठी से समाजवादियों को खदेड़ा, उसमें काफी चोटें भी आई। तो इससे लग रहा है समाजवादी कहीं ना कहीं दंगावादी, और मैं परिवारवादी पे आना चाहता हूँ। परिवारवादी पे मैं सोनू जी के पास जाना चाहूंगा। सोनू जी बताइए, आप क्राइम को नजर रखे हुए, काल कई चैनल पे चला है कि निर्वाचन आयोग द्वारा और बीजेपी द्वारा जो पुलिस प्रशासन को आम पब्लिक को ऊपर हावी हुआ, यानी कि जो बाराबंकी की घटना आई है, कई चैनलों पर फर्जी तरीके से ये खबर चला जा रहे हैं कि गोली मारने का ऑर्डर था चुनाव आयोग का द्वारा, उसके एसपी द्वारा मतलब आदेश जारी करके उसमें लाठी डंडा से बहुत बड़ी बार किए गए, जो कि वह मामला ऐसे था कि दोबारा एक बूथ पर जो कि दोबारा रिकाउंटिंग कराएगा, जिसको लेकर कुछ लोग वहां एकत्रित हुई। इस एकत्रित लोगों को जब भीड़ हटाने की कोशिश किया उत्तर प्रदेश पुलिस, तो वहां लाठीचार्ज करना पड़ा। इस पर कुछ चैनलों पे इस तरह चला गया कि ये फर्जी तरीके से लाठी डंडा से बार किया गया, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सोनू जी? आप सभी को नमस्कार। मेरा पहली बात यह है कि प्रशासन किसी का दुश्मन नहीं है। अगर आप प्रशासन के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रशासन उसका जवाब भी देगा। और रही बात जीत और हार की, तो ये तो जनता तय करती है। अगर आपको संविधान में सबका अधिकार है और इस संविधान के अधिकार में अगर किसी को अगर लग रहा है कि मेरे मतलब काउंटिंग में दिक्कत हुई है, तो काउंटिंग दोबारा कराई जाए, ये तो निर्वाचन आयोग भी करवाता है। लेकिन अगर उसमें अगर आप अपनी, जैसे आपने कहा कि गुंडाई, दबंगाई और आतंकवादी, तो आतंकवादी में नाम तो सपा का जुड़ चुका है। अच्छा अमित जी, मैं आपके पास जाना चाहूंगा। हाँ अमित जी बताइए। हम ये कहना चाहते हैं, समाजवादी को जो खाका
भुगतना पड़ा है, ये समाजवादी पार्टी गुंडों की खान फैक्ट्री है, यहाँ पर इस फैक्ट्री में गुंडे तैयार किए जाते हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की जीत, तो आज सनातन धर्म और हिंदुत्व की जीत हुई है, हिंदूवादी पार्टी नहीं बल्कि हिंदुत्व की जीत, धर्म की रक्षा के लिए जो पार्टी काम करती आई है, हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात नहीं करने वाले हैं। लेकिन समाज में जैसे समाजवादी पार्टी कुछ प्रत्याशी हमारी पछड़ाओं में धर्म भी जैसे जीत, तो उसमें जो समाज की समाज में उस तबके के गरीब तबके के लोगों को शोषण करने का काम किया है, तो समाजवादी पार्टी में तंबा लगा रहा है और हमारे ख्याल से अंतिम साल तक लगा रहेगा। इन पर श्री राम मंदिर के कार सेवकों की हत्या का आरोप है, आरोप नहीं बल्कि इन पर हत्या लगी है, ये आप भविष्य में ये उठ करके आने वाले नहीं है, इनका पतन हो चुका है, तो समाज इनका तिरस्कार कर दिया है, समाज अब नहीं करने वाला, क्योंकि प्रशासनिक अफसर भी हमारे भाई है, वो हमारी सेवा के लिए लगाए गए, उनके साथ अगर आतंकवादी गतिविधियों के तरीके से काम किया जाता, तानाशाही रवैये से काम किया जाता है, चुनाव के पहले कारनामा है, चुनाव के बाद क्या हो सकता है ये सब समाज जानता है। इसलिए गरीब जनमानस ने, आम जनता ने, अभी आपने देखा पत्रकारों के साथ कैसा माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वार्ता किया है, किस प्रकार से बात करने का, उनको जो आदमी अपने पिता का सम्मान नहीं कर सका, वो मारे लोकतंत्र के सिपाहियों का सम्मान क्या करेगा और आम जनमानस का सम्मान क्या करेगा। इसकी हर पराजय का मुख्य कारण रहा है इनके घर में पल रही जो पनप रही गुंडों की फैक्ट्री, आतंकवादियों को संरक्षण देना, यहां तक जाति विशेष पर काम करके समाज को दबाने का काम करना माफिया राज। कुलदीप जी के पास जाना चाहो, कुलदीप जी बताइए, अमित जी सीधी तौर पे बता रहे हैं, एक समाज सेवक है, समाजवादी पार्टी को गुंडा का गढ़ बता रहा है, गुंडा का परिवार बता रहा है, गुंडा को पैदा करने का पूरी कुनबा बना बता रहे, इस पर क्या कहना चाहेंगे जी? मैं बताना चाहता हूँ, ये तो बात सत्य उन्होंने कहा है कि क्योंकि आज हम कहा जैसे यहाँ पे गुंडे समाजवादी में है, तो इसलिए समाजवाद में गुंडावाद, अब जैसे कुंडा की सीट रही और कुंडा की सीट में बताया गया कि कुंडा के लोगों कुंडी लगा दो, और दूसरी बात अगर अपने यहाँ देखा जाए तो काफी बहुत से ऐसे केस हैं जिन पर अभी तक सरकार पहुंच ही नहीं पाई है, जिसका जानकारी अभी तक जनता तक पहुंच ही नहीं पाई है, और धीरे धीरे जब जनता की जानकारी में आ गया तो अब लग रहा है कि मेरे साथ बेईमानी और धोखा किया गया। भाई जनता तो सब जान चुकी है, पहचान चुकी है, उसी अनुसार उसने अपना वोट किया, अपने अधिकार का पालन किया।